पहली ही बारिश से प्रशासन की खुली पोल। नाडोल में दो स्कूलों में भारी जल भराव, नई नाली निकासी की कोई व्यवस्था। नाडोल के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर एक स्कूल पर नाडोल महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम उच्च माध्यमिक विद्यालय के पीछे निकलने वाले प्राकृतिक नाले पर प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण होने व नाले को संकरा करने के कारण नाले का पानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं उनमें घुसा जा रहा है। गुरुवार को रात्रि 2 बजे से हो रही मूसलाधार बारिश से बालिका आवासीय विद्यालय में मुख्य द्वार लगाकर विद्यालय के अंदर कमरों सहित प्रधान अध्यापिका कार्यालय स्टोर रूम से 3-4 फीट पानी भरने से बालिकाओं को ऊपर कमरों में शिफ्ट करना पड़ा है, लेकिन प्रशासन ने वो इसकी तरफ बिल्कुल ही ध्यान देता नजर नहीं आ रहा। प्रधान अध्यापिका गरिमा डांगी ने बताया कि विद्यालय डूब क्षेत्र में होने के कारण प्रतिवर्ष बारिश के मौसम में पानी भर जाता है। विद्यालय में पानी भरने की सूचना मिलते ही PEO प्रधानाचार्य दलपत सिंह राजपुरोहित, नोडल अधिकारी प्रधानाचार्य मधु पांडे मौके पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है। 5 फुट 6 इंच वाले के यहाँ तक पानी आ सकता है तो बच्चों का क्या होगा बताइए। सारा नाडोल का जो गंदा एरिया, गटर का पानी, बाथरूम का पानी, वो सरकार की दया से हमारे आसपास ही निकलता है ये, और वो सारा पानी हमारे ये होद में चला गया है। अब आज से नाना धोना सब बंद हो जाएगा, क्योंकि ऐसा पानी हम यूज करेंगे कोलगेट के लिए हमारे पेट में जाएगा तो वो हमारे लिए हानिकारक है। क्या बच्चों, मैं सच कह रही हूँ या झूठ? कैसे हो, तुम्हारे हालात कैसे? स्कूल जाओगे? नाश्ता किया? क्यों नहीं किया? तो क्या कहना चाहोगे, सरकार से क्या अपील है? हमको छुट्टी दो, हमको छुट्टी दो, हॉस्टल सही करा, हॉस्टल सही करा हमारा, हॉस्टल को सही जगह पर बनवाया जाए।